अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 8.2। इस एक्सरसाइज में हमें देखना है कि कैसे किन्हीं दो कर्व के बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना होता है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लॉजिकल पार्ट वही रहेगा, वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, जैसा हमने एक्सरसाइज 8.1 के लिए पढ़ा था। तो अगर इसका इंट्रोडक्शन नहीं भी दिया जाता और अगर एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से करी हुई है तो इस एक्सरसाइज में जो 8.2 है इसमें कोई दिक्कत ऐसी आने वाली है नहीं। बट फिर भी कि इस एक्सरसाइज में एक्चुअल में होता क्या है, कैसे दो कर्व के बीच का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, उसको एक एग्जांपल से एक इंट्रो ले लेते हैं छोटा सा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे एग्जांपल्स करेंगे और उस पर अप्लाई करके देखेंगे। कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है हमारे पास, जैसे वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करनी है उसी तरीके से इसमें भी कंसिडर किया जाएगा। तो उसके लिए क्या ले लेते हैं, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है एफ एक्स और एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स, यानी कि ये दोनों क्या है, दो कर्व हैं। ठीक है, ये दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इनके बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। और क्या कह रहा है कि ये जो दोनों कर्व हैं ये x इज इक्वल्स टू ए से लेकर x इज इक्वल्स टू बी तक जाएंगे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू ए से लेकर x इज इक्वल्स टू बी तक। तो सपोज क्या करते हैं कि जो एफ एक्स वाला कर्व है वो क्या जा रहा है, कुछ इस तरीके से जा रहा है एफ एक्स वाला कर्व। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एफ एक्स और जी एक्स मैंने जैसा बताया दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे, ए से लेकर बी तक ही जा रहे हैं। तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ, ये जो पॉइंट है ये क्या रहेगा, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x इज इक्वल्स टू ए से, यानी कि यहाँ से क्या करते हैं हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू ए। इस तरीके की लाइन हमने काफ़ी बनाई है, x इज इक्वल्स टू टू, x इज इक्वल्स टू फोर, यानी कि क्या रहती है, पैरेलल टू y एक्सिस रहती है। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये क्या हो गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू ए, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ए कॉमा जीरो, और ये लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू ए। और कहाँ तक जाना है, x इज इक्वल्स टू बी तक। तो ये क्या आ गई हमारे पास, दूसरी लाइन जो है x इज इक्वल्स टू बी, और ये पॉइंट क्या रहेगा, b कॉमा जीरो, ये x एक्सिस, देन दिस इज y एक्सिस। ठीक, ये तो हो गया हमारे पास क्या, एफ एक्स कर्व। इसको नाप देते हैं यहाँ पे, ये हमने सपोज करा हुआ है, ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा ही फिगर बने, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, बस समझने के लिए। जी एक्स कर्व हम लेते हैं, वो भी क्या जा रहा है, ए से लेकर बी तक ही जा रहा है, उसको हम क्या लेते हैं, कुछ इस शेप में। ठीक है, ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। बट जाना कहाँ से कहाँ तक, इनमें सिर्फ x इज इक्वल्स टू ए से लेकर x इज इक्वल्स टू बी तक। तो हमें क्या करना है, इन दोनों कर्व ने जितना एरिया बाउंड करके रखा हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखें, पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछले एक्सरसाइज में, इंट्रोडक्शन में हमने क्या करा था, सबसे पहला जो पढ़ा था एरिया अंडर सिंपल कर्व, हमें एक सिंपल कर्व दे दी थी, इसके अंडर में सपोज दैट ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसके अंडर में जितना भी एरिया है हमें वो फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जी एक्स वाला कर्व भूल जाएं, सिर्फ हम एफ एक्स वाला कर्व ध्यान में रखें, जी एक्स वाला हमने थोड़ी देर के लिए हटा दिया। तो ये क्या एरिया अंडर सिंपल कर्व वाला, मतलब वाला इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, तो यानी कि हमें करना क्या है एक्चुअल में, इस क्वेश्चन में इस एफ एक्स के अंडर का जितना एरिया है पहले वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये क्या आया, एरिया अंडर सिंपल कर्व, और वो कर्व क्या है, इस बार एफ एक्स है। हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, इन दोनों ने एरिया बाउंड कितना कर रहा है। मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एफ एक्स का क्या है, रिलेटिव है कि किससे, एरिया अंडर सिंपल कर्व से, उससे रिलेशन है, यानी कि ये सिंपल सा एक फंक्शन है हमारे पास जिसका कर्व ऐसा जा रहा है, तो इसके अंडर का हमें क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे। अब अगर मैं यहाँ से जी एक्स कर्व बना देता हूँ, ठीक, अब ये चीज़ हटा देते हैं, जी एक्स कर्व मैंने बनाया, अब सपोज दैट मेरे पास एफ एक्स कर्व है ही नहीं। ठीक है, यानी कि ऊपर की चीज़ है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ क्या है, ये जी एक्स कर्व है। अब इस जी एक्स कर्व के नीचे का एरिया क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे, जब हमने एफ एक्स के नीचे का एरिया कहा था तब पूरा कंप्लीट आया था, जी एक्स के नीचे का बात करें तो पूरा इतना सा आएगा। ठीक है, एरिया अंडर सिंपल कर्व वाला लॉजिक ही लग रहा है। ठीक, निकालना क्या है हमें, ये वाला निकालना है। तो अगर मुझे ये बीच का एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करूँगा, यानी एफ एक्स के अंडर का एरिया माइनस कर दूंगा जी एक्स के अंडर का एरिया। तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड रीज़न क्या होगा, इन दोनों कर्व ने कितना एरिया घेर के रखा हुआ है, कितना एरिया बाउंड कर रखा है ए से लेकर बी तक। बस यही लॉजिकल पार्ट रहता है, यही चीज़ हमें पकड़नी होती है कि कैसे हम जो रिक्वायर्ड रीज़न है हमें फाइंड आउट करना है उसका एरिया हम निकालेंगे। तो यही चीज़ समझानी थी इसमें कि ये कुछ नहीं है, वही चीज़ है, यानी कि जैसा हम करते आ रखे हैं एरिया अंडर सिंपल कर्व, बस क्या कर दिया, दो कर्व को आपस में मिला दिया, यानी कि इंटरसेक्ट करवा दिया, तो उसके बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन वही देखें, फ़ायदा किसमें, वर्टिकल स्ट्रिप में ऑफकोर्स। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप है वो क्या करेगी, सीधे सीधे एक्स एक्सिस पे लाई कर रही होगी। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पूरा जो एफ एक्स है सिर्फ उसको ध्यान में रख के, उसके लिए ये क्या आ गई मेरे पास, सबसे बड़ी स्ट्रिप,
सिर्फ एफ एक्स को, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस एफ एक्स कर्व के नीचे का पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या ले ली, एक बड़ी स्ट्रिप ले ली, जो क्या हो गया, ये कितना होगा वाई होगा, ये कितना होगा डी एक्स। ठीक, तो मुझे मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड एरिया मुझे निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया कहने का मतलब है जो इन दोनों, ये वाला रीजन, ये मैंने शेडेड पार्ट कर दिया, ये वाला रीजन रिक्वायर्ड है। ठीक, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूं ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक किस स्ट्रिप का, इस वाली बड़ी वाली स्ट्रिप का, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स कर्व ने पूरा का पूरा कितना एरिया लिया हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो ए से बी कितना, चलिए वाई डी एक्स ही कंसिडर करते हैं अभी। ठीक है, स्ट्रिप हमने वाई डी एक्स कंसिडर करी, माइनस अगर कर दूँ इस जी एक्स से नीचे का एरिया, इस जी एक्स से नीचे का एरिया के लिए क्या करेंगे, अगेन वही वर्टिकल स्ट्रिप, बट इस बार क्या छोटी वाली स्ट्रिप, यानी कि वो स्ट्रिप जो जी एक्स फंक्शन पे लाई कर रही है, ना कि एफ एक्स फंक्शन पे। ये जो स्ट्रिप थी किस पे लाई कर रही थी, एफ एक्स फंक्शन पे, ये जो स्ट्रिप है किस पे लाई कर रही है, जी एक्स फंक्शन पे लाई कर रही है। तो ये भी क्या आएगा, ए से लेकर बी तक ही जाना, क्योंकि हमें इस जी एक्स से पूरा का पूरा एरिया निकालना है, वो छोटी वाली स्ट्रिप से निकलेगा। उस छोटी वाली स्ट्रिप को अगर ए से बी वाई डी एक्स कर दिया जाए, ये भी वाई रहेगा अभी फिलहाल, और ये भी डी एक्स ही रहेगा अभी के लिए। ठीक, बट दोनों के वैल्यू अलग अलग है। कैसे, अब मैं क्या करूँगा, वाई की वैल्यू पुट करनी शुरू करूँगा, क्योंकि वाई को मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। ए टू बी, ये जो बड़ी वाली स्ट्रिप है जो एफ एक्स के अंडर का एरिया मुझे कंप्लीट ला के देगी, वो किस पे लाई कर रही है, एफ एक्स कर्व पे लाई कर रही है। तो वाई इज टू कितना, एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए से बी, ये जो छोटी वाली स्ट्रिप है ये मुझे क्या देगी, जी एक्स कर्व के नीचे का एरिया फाइंड आउट करके देगी। और ये छोटी वाली स्ट्रिप किस पे लाई कर रही है, जी एक्स फंक्शन पे। तो इस बार वाई इज टू कितना रहेगा, जी एक्स डी एक्स। तो दोनों फंक्शन क्या आए, डिफरेंट डिफरेंट आए, निकल गया रहा है हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया निकल रहा है, जो हमने ये शेडेड पार्ट कर रखा है। कैसे निकल रहा है, ये बड़ी वाली स्ट्रिप मुझे क्या देगी, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ए से लेकर बी तक, एफ एक्स कर्व के नीचे का कंप्लीट एरिया ला के देगी। माइनस कर दिया जाए इस कर्व से, यानी कि जी एक्स कर्व के नीचे के एरिया से, वो कौन ला के देगा, ये छोटी वाली स्ट्रिप, इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए ए से लेकर बी तक, वही हमने यहाँ पे करा। ठीक, तो एक्चुअल में करा क्या था, वही चीज़ कर रहे थे जो हमने एक्सरसाइज 8.1 में करी थी, बस फर्क इतना है यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगी, दो कर्व हो जाएंगी, और लॉजिकल पार्ट कुछ इस तरीके का ही रहता है लगभग हर क्वेश्चन में। ठीक है, हमें क्या करना होता है, कुछ हिस्से में से, कुछ बड़े हिस्से में से कुछ छोटा हिस्सा माइनस करना होता है, और हमारे पास क्या आता है, रिक्वायर्ड रीज़न आता था, रिक्वायर्ड एरिया आ जाता है। ठीक, तो जहाँ तक इंट्रोडक्शन इसका समझ आ चुका होगा, इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं 2 से लेकर 3 तक, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एरिया बिटवीन टू कर्व्स के लिए एग्जांपल नंबर 6 करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलाज, यानी कि दो कर्व गिवन है इस बार, टू पैराबोलाज। पहली जो पैराबोला है वो है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरी वाली है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल गिवन है एनसीईआरटी में, बट हमें समझना है कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व करा जाता है। तो सबसे पहले, तो सबसे मेन जो काम रहता है वो क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि कैसा है, एक स्टैंडर्ड पैराबोला रहा होगा, और जो क्या होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ऐसा हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में काफ़ी सारे कर चुके हैं। ठीक, और जो दूसरा वाला है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर, यानी कि कैसा, अपवर्ड्स पैराबोला। इक्वेशंस ध्यान होनी ज़रूरी है, तो कुछ इस तरीके से। ये जो कर्व है ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का है, ये जो कर्व है अपवर्ड्स पैराबोला ये किसका है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, हमने इनका क्या बना दिया, डायरेक्ट फिगर बना चुके हैं। ठीक, फिगर बना चुके हैं। अब हमें क्या बोला गया, इन दोनों पैराबोला के कितना एरिया बाउंड करके रखा है, यानी कि जो कॉमन रीजन है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए कॉमन रीजन कौन सा रहेगा, ये वाला रीजन रहेगा। ठीक, सिंपल, इतना वाला रीजन रहेगा, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इस इंटरसेक्शन को ए बोल देता हूँ, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं बी। अभी ये क्यों करें अभी समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, ये जो रिक्वायर्ड रीजन है जो मैंने अभी अभी शेड करा था, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए देखें मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप के लिए कंसिडर करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप के लिए। कैसे, ध्यान से देखें, अगर मैं क्या कर दूँ, ये जो कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, इस पर अगर मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करूँ, इस पर अगर मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करूँ, यानी कि सबसे बड़ी वाली स्ट्रिप, तो ये क्या ला के देगा मुझे, पूरा का पूरा एरिया ओ ए बी ओ, मुझे इससे क्या मिलेगा, ओ ए बी ओ मिलेगा। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि मुझे रिक्वायर्ड एरिया, जो मुझे एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया नाम दे देते हैं, रिक्वायर्ड एरिया जो एरिया मुझे चाहिए, यानी कि जो पहले शेडेड करा था कॉमन है, वो निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं क्या करूँगा, इस बड़ी वाली स्ट्रिप से ये पूरा का पूरा एरिया फाइंड आउट करूँगा, एरिया ओ ए बी ओ।
ओ ए बी ओ माइनस करा जाएगा। मैंने बताया था ना, हर बार यही लॉजिकल पार्ट रखता है, कुछ बड़े एरिया में से कुछ छोटे एरिया माइनस कर देंगे, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। देखिए रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, मैंने क्या बोला, इस कर्व से ऊपर का इनकी ये जो कॉमन रीजन है ये निकालना है। मैंने क्या करा, पूरा का पूरा एरिया निकाल दिया, माइनस अगर मैं ये छोटी वाली स्ट्रिप बना रहा हूँ जो क्या कर रही है, इस दूसरे वाले कर्व पे लाई कर रही है, अगर इतना एरिया मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड रीजन अपने आप आ जाएगा। अब ये अगर इसमें मैं नाम लिखने जाऊंगा तो ये सेम हो जाएगा, ओ ए बी, यानी कि वे पूरा का पूरा कंसिडर हो जाएगा। तो इस रीज़न को, जो नीचे वाला है, इस कर्व के नीचे वाले को मैं क्या कहता हूँ, सेकेंड रीज़न, ठीक है, सेकेंड रीज़न नाम दे देते हैं। अगर माइनस कर दिया जाए एरिया ऑफ कितना, सेकेंड रीज़न, यानी कि दूसरे रीज़न का एरिया अगर हम माइनस कर दें इस पूरे एरिया में से, तो मुझे ये बचा वाला जितना भी एरिया जो कॉमन है वो चीज़ मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगी देखते हैं। अगर एरिया निकालना है ओ ए बी ओ का, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस स्ट्रिप को, ये स्ट्रिप क्या रहेगी, वाई डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा वो भी पता होना चाहिए ना, ये तो 0,0 है, ये तो इस बात तो हमें पता है, ओरिजिन कितना है 0,0, यानी कि लोअर लिमिट तो 0 रहेगी। अब कहाँ तक जानी है, यानी बी तक जानी है, बट बी का पॉइंट हमें नहीं पता अभी तक। बी पॉइंट को निकालने के लिए, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये ए पॉइंट पता चल जाएगा तो ये बी भी पता चल जाएगा। अब ए पॉइंट क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन दोनों कर्व को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो आएगा 1,1। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बुक में से देख के, ठीक। आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करना हमने कराए हुए हैं 10th तक, ठीक। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, यानी कि ए पॉइंट कितना है, 1,1, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ओ बी, बी वाला पॉइंट, ये कितना रहा होगा, 1,0 ही तो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि क्या लाइन परपेंडिकुलर है। तो बी कितना, 1 से 0। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से लेकर 1 तक करना है, वाई डी एक्स, यानी कि ये बड़ी वाली स्ट्रिप के लिए। तो ये पूरा का पूरा मुझे एरिया फाइंड आउट करके दे देगा। माइनस कितना करना है इस वाले कर्व से, यानी कि ये छोटी वाली स्ट्रिप के लिए, ये छोटी वाली स्ट्रिप किस पे लाई कर रही है, इस कर्व पे लाई कर रही है, और ये भी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक ही जा रहा है। इसको भी फिलहाल क्या नाम दिया जाएगा, वाई डी एक्स ही रखेंगे। अब देखें अगले स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 1, ये जो वाई को हम एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे वो देख के लिखेंगे कि ये स्ट्रिप किस पे लाई कर रही है, ये जो बड़ी वाली स्ट्रिप है किस पे लाई कर रही है, इस वाले कर्व पे, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एक्स। तो वाई इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट एक्स 1/2 dx, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 ये भी रहेगा, बट इसका वाई एक्स के रिस्पेक्ट में किसको ध्यान में रख के लिखा जाएगा कि ये जो छोटी स्ट्रिप है ये किस पे लाई कर रही है, ये छोटी स्ट्रिप है ये इस अपवर्ड्स पैराबोला पे लाई कर रही है, तो इस वाई की जगह पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना आता ही है, ठीक है, इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो लिख लेता हूँ मैं, वो कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो जो लॉजिकल पार्ट था, जो चीज़ समझने वाली थी, वो चीज़ ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, बजाय कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन तो करी हुई है हमने एक्सरसाइज 8.1 में भी, तो कैलकुलेशन तो ईजी है और इजीली इंटीग्रेट भी हो जाएगा। तो ध्यान किस पे देना था कि हमें कैसे दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, कैसे उस चीज़ को लेना है, ठीक। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रिप क्या ली गई है, ठीक है। तो फोकस रखें कि स्ट्रिप कैसे कंसिडर करनी है, बड़ी स्ट्रिप में से कैसे छोटे वाले स्ट्रिप्स हटाई जाएगी, कैसे हमें रिक्वायर्ड रीज़न मिल जाएगा, ठीक। तो ये बड़ी स्ट्रिप, अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं। जो रिक्वायर्ड रीज़न था हमें, वो क्या फाइंड आउट करना था, ये चीज़, और वो कितनी आ गई है, 1/3 आ गई है। नंबर 7th है, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। इस बार जो कर्व गिवन है हमें, वो क्या है, एक सर्कल गिवन है और एक पैराबोला गिवन है। सर्कल की क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, और पैराबोला की है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। और बोला गया है कि अबव एक्स एक्सिस वाला रीजन ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहले तो इसका डायग्राम क्या होगा वो बनाएंगे, और उससे भी पहले जो ये सर्कल की इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। यानी कि हमें सेंटर भी इजीली पता चल जाते हैं और रेडियस क्या है वो भी पता चल जाती है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो इक्वल्स टू के बाद है वहाँ पे कितना है, 8x है, ना कि एक सिंगल नंबर। यहाँ पे क्या होता है, रेडियस के लिए सिर्फ एक नंबर होना चाहिए ना, यहाँ पे क्या आ गए, वेरिएबल और कोफिशियंट दोनों के दोनों हैं, और सिंगल नंबर कहीं पे दिखाई नहीं देता। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब वो कैसे लाया जाएगा, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर ले आते हैं, इज इक्वल्स टू कितना, वाई स्क्वायर उधर भेज देते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर उधर आ गया, ठीक। इसके बाद इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व किया जाएगा।
अब देखें इसका जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो तो है नहीं, तो उस कांस्टेंट टर्म को कैसे लाया जाएगा। इंटीग्रेशन में एक चीज़ पढ़ी थी हमने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट नहीं आ रहे हैं तो उसके रूट आ जाएं, इसके लिए क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया जाता है। उसमें क्या होता है, माइनस बी अपॉन टू ए के होल स्क्वायर से प्लस भी किया जाता है और माइनस भी किया जाता है। बी और ए क्या है, एक एक्स का कोफिशियंट रहेगा, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट रहेगा, ठीक। तो बी क्या है इस केस में, -8 है, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, तो प्लस का 8 हो जाएगा अपॉन 2a। ए कितना है यहाँ पे, 1 है, तो सिंपली 2 इसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 से हमें क्या करेंगे, इसमें प्लस भी करेंगे और माइनस भी। -8x प्लस 16 -16 इजिकल्स टू कितना, माइनस का वाई स्क्वायर। ये दो, ये जो ये तीन, इन तीनों को सॉल्व करेंगे और एक क्या बनेगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके हमारे पास इजीली रूट्स आ जाएंगे। 16 हमारे पास चाहिए, तो क्या होगा, 4 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 16 माइनस 16 इजिकल्स टू कितना, माइनस का वाई स्क्वायर। तो x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, अगेन x माइनस 4 माइनस 16 इजिकल्स टू कितना, माइनस वाई स्क्वायर। देखिए x माइनस 4, x माइनस 4 दो रूट आएंगे, तो इन दोनों को हम सिंपली क्या लिखते हैं, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। ये माइनस 16 बचेगा, इसको इधर भेजते हैं और माइनस वाई स्क्वायर इधर ले आते हैं, प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू कितना, 16। अब देखें, अब अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब भी हमारे पास जो इक्वेशन है सर्कल की कुछ इस तरीके से गिवन होगी, तो उसे क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या रहेगी। अब देखें सेंटर क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यानी कि सेंटर क्या रहेगा, 4,0। सेंटर 4,0, रेडियस कितनी रहेगी, 16 लिखा है, यानी कि इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि रेडियस कितनी है इसकी, 4 यूनिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यानी रेडियस कितनी है इसकी, 4 है। तो इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस करके ऐसा कर दिया इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जिससे हमें पता चला कि ये जो सर्कल होने वाला है इसके सेंटर और रेडियस कितनी आने वाली है। तो बना लेते हैं सबसे पहले इस सर्कल का फिगर। तो अगर मेरे पास क्या है, 4,0 बोला है ना, सेंटर देखिए 4,0 यानी कि एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा होगा। अगर ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, यहाँ पे 4 समथिंग इधर होगा, 4,0 ये क्या रहेगा, इसका सेंटर रहेगा। इस सेंटर से देखें 0 से लेकर 4 यही तो रहेगी रेडियस, ठीक है, 0 से लेकर 4 ये क्या है, सेंटर है, यानी कि सर्कल कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से जाएगा और ओरिजिन से क्या कर रहा होगा, पास होके जा रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है, सर्कल यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी है, 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस 4 ही होगी। तो ये जो पॉइंट है ये वाला लास्ट वाला, ये कितना रहेगा, 8,0, और ये सेंटर का पॉइंट तो हमें पता ही है ये कितना है, 4,0 है, ठीक है। और सर्कल क्या होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा। अब देखिए जो अगली कर्व है, अगली कर्व क्या हमारे पास, वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 4x। वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 4x कैसा होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला होता है और ओरिजिन से क्या कर रहा होता है, पास हो रहा होता है। तो यानी कि ये क्या जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, पैराबोला का। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना था अबव एक्स एक्सिस, लाइंग अबव एक्स एक्सिस बिटवीन दीज टू कर्व। अब इन दोनों कर्व के बीच का एरिया क्या है, यही तो है, ठीक है, यानी कि ये जो पूरा रीजन है ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैं नेमिंग कर लेता हूँ, ये ओ हो गया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों का, सर्कल का और कर्व का, उसको ए बोल देते हैं, ठीक। ये पॉइंट हमें पता है, ये जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है इसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, ओ ए बी ओ, ये क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इस पूरी चीज़ को हम हटा देते हैं, ठीक, ये चीज़ इजीली हम निकाल भी सकते हैं दोबारा से, तो ये चीज़ हट गई। हमारे पास इसकी इक्वेशन आ रही थी, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू कितना, 4 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, सर्कल की इक्वेशन, और ये क्या है, पैराबोला की, जिससे हमारे पास क्या आ गया, ये फिगर आ गया। अब देखें करें कैसे जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है, हमने क्या ले ली है, वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। अब देखें इस वर्टिकल स्ट्रिप को हमें कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, 0, 0 से लेकर पूरा का पूरा 8 तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर 8 तक, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा, है ना, ठीक है। बट ये जो स्ट्रिप है, ये हमारी जो स्ट्रिप है ये वाली, अभी तो देखें ये किस पे लाई कर रही है, पैराबोला की इक्वेशन पे लाई कर रही है, ठीक, पैराबोला की इक्वेशन पे लाई कर रही है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे आते आते ये जो स्ट्रिप है ये किस पे लाई कर जा रही है,
सर्कल की इक्वेशन पे लाई कर रही है, ठीक है। तो यानी कि थोड़ी सी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी अगर हम ऐसा कर दें, इस वाई डी एक्स को पूरा का पूरा जीरो से लेकर एट तक इंटीग्रेट कर दें तो आंसर हमारा गलत आएगा। करा कैसे जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो करा कैसे जाएगा कि ये जो ए पॉइंट है ना, इसको इस 4.0 से यानी कि इन दोनों को हम क्या करते हैं, दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये जो ए पॉइंट है, ये जो काट रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये इसको मिलाएगा, यानी कि इस लाइन को हम जोड़ दिया ना हमने। बट ऐसे डायरेक्टली जोड़ना नहीं है, हम पहले क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहेगा वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे, तभी जाके हम इन दोनों लाइन को मिला सकते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि ये जो पॉइंट है ये कितना रहेगा, अगर ये सपोज दैट 3 समथिंग है तो, बट ये पॉइंट तो 4.0 है, तो ये लाइन तो हमें इससे थोड़ा सा इधर को लेके आके ड्रॉ करनी चाहिए थी, बट हमने क्या कर दी, यहाँ से पॉइंट लिया और यहीं से नीचे को क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो ए पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आ कितना रहा है। अगर ये 4 समथिंग आएगा तो यानी कि हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है बिल्कुल सही ड्रॉ करी है। इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे 4.4। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बट इसको क्या करा जाता है, सॉल्व करा जाता है। तो ए पॉइंट क्या आया हमारे पास, 4.4। अब देखिए 4.4 आया, यानी कि ये जो यहाँ से एक्स एक्सिस चला, यानी कि 4 का ही तो चला होगा। तो यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है, यानी कि अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो बिल्कुल इस तरीके से ही जाएगा, ठीक। तो जहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई, अब हमने क्या करा, इस रीजन को, इस पूरे रीजन को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4.0 को मैं नाम देता हूँ सी। तो हम पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे किसका, ओ ए सी ओ का, उसे प्लस कर देंगे जब एरिया निकाला जाएगा ए सी बी ए का, ओ ए सी ओ प्लस ए सी बी ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिप है ये यहाँ से यहाँ तक किस पे लाई कर रही है, इस पैराबोला की इक्वेशन पे ही लाई कर रही है, तो हमारा आंसर सही निकलेगा यहाँ से यहाँ तक अगर हमें इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो स्ट्रिप है ये किस पे लाई कर रही है, सर्कल पे लाई कर रही है, इस पे यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो वो भी हमारे पास सही आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा क्या आएगा, रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। तो निकालते हैं इंटीग्रेशन, जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 0 से लेकर 4 वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेकर कहाँ तक, 8 तक जाएगा, 4 से लेकर 8 वाई डी एक्स। अब y डिपेंड करता है हम क्या लेंगे, क्योंकि स्ट्रिप किस पे लाई कर रही है ना, ये स्ट्रिप किस पे लाई कर रही है, पैराबोला पे। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2√x2 बाहर ले लेते हैं, √x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 से 8 वाई डी एक्स। ये वाला निकालने के लिए ये जो स्ट्रिप है किस पे लाई कर रही है, सर्कल पे लाई कर रही है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं। देखें ये वाला ना ले, ये जो पहले से इक्वेशन गिवन थी ना, ये ना ले, जो हमने रिड्यूस करी है इस इक्वेशन को चेंज करके रखें। क्या रखी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट के अंदर 4 4 = 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इस तरीके से रखा जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है, ये वाली चीज़ तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, x माइनस 4 को क्या ले लें, टी ले लें, डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये चीज़, ये जो प्लस इंटीग्रेशन 4 से 8 है, इंटीग्रेट करने पे कितनी बन जाएगी, 16 माइनस x माइनस 4 की जगह पे तो टी आ गया, टी का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पे कितना आ गया हमारे पास, डी टी आ गया। तो फंक्शन भी टी के रिस्पेक्ट में और इंटीग्रेट भी क्या कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मल लगाएंगे, सीधे सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आंसर आ जाएगा। इसका भी इसी तरीके से दोनों को ऐड करेंगे, रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा, ठीक है। जो कैलकुलेशन पार्ट है वो अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, आदत हो जाए कैलकुलेशन करने की, ठीक। जो लॉजिकल पार्ट है वो हमने समझ लिया। अब इसी एरिया बिटवीन टू कर्व्स पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें करना होता है एरिया निकालना होता है किसी ट्रायंगल का। ट्रायंगल की क्या दे देते हैं, वर्टिसेस दे देते हैं, और उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो वो कैसे करना है, वो चीज़ हम करेंगे। एग्जांपल 9th है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। इस बार हमें इक्वेशन कर्व वगैरह ऐसा कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ जस्ट क्या गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, 2.2 एंड 3.1। वैसे क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है, एक बार समझ में आ जाएगा तो काफ़ी ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है एक तरीके से।
वही लॉजिकल पार्ट हर क्वेश्चन में लगेगा। देखिए इस बार हमें जस्ट क्या दी गिवन थी, वर्टिसेस गिवन थी, कर्व वगैरह कुछ नहीं गिवन है। जस्ट क्या करें, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे सबसे पहले एक फिगर में ड्रॉ कर दें। ठीक, फिगर में ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं। देखिए 1,0 क्या रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे 1 लेना शुरू करता हूँ इस एक्सिस में तो समवेयर हेयर 1,0, फिर 2,2, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिया, और यहाँ से भी मैं 2 ही चलूँगा ऊपर की तरफ को, तो वो भी कितना 2,2, वो पॉइंट हो गया। देन 3,1, ये 1 ये 2, इसको मैं 3 ले लेता हूँ, और कितना चलूँगा, सिर्फ 1 चलूँगा वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे कहीं पे। ठीक, ये क्या हो गया 3,1, एग्जैक्टली ऐसा बनाने की ज़रूरत थी, बस जस्ट उसके सिमिलर होना चाहिए। ठीक, और सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया। तो ये क्या बन गया, इस तरीके से अगर इनकी लाइन को, इन वर्टिसेस को ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल जैसा लगना भी चाहिए। ये क्या है, ए वर्टिसेस है हमारे पास, ये बी है, और इसको क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ए बी एंड सी। ऐसा करने के बाद, वर्टिसेस लिखने के बाद, अब हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है, हमें एरिया क्या निकालना है। ए बी सी क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड रीजन है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारे पास, ए बी सी, ये चीज़ हमें इंटरेस्ट किस में, ये चीज़ हमें निकालनी है ए बी सी। अब देखिए ये निकाली कैसे जाएगी, अब अगर मैं इसमें वर्टिकल स्ट्रिप लेने जाऊँगा ना, जैसे अगर सपोज दैट इसी तरीके से तो ली जाती है ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप, तो ये क्या होगी, हवा में, यानी कहने का मतलब है एक्स एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है। और शुरू में मैंने बता दिया था कि ये जो स्ट्रिप जो भी लेंगे ये या तो वाई एक्सिस पर लाई करनी चाहिए या फिर एक्स एक्सिस पर ज़रूर लाई करनी चाहिए, अगर हम क्या करें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वो हम पे डिपेंड करता है क्या स्ट्रिप ले रहे हैं। अभी मुझे इंटरेस्ट है वर्टिकल स्ट्रिप लेने में, तो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लेके देखी, वो क्या कर रहा है, नीचे एक्स एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है, तो अभी तो फिलहाल ऐसा ले नहीं सकते। ठीक है, और अगर मैं वर्टिकल लेने जाऊँ ये करूँ तब भी नहीं आएगा, y एक्सिस पे लाई नहीं करा। ठीक, तो कुल मिला के इस तरीके से तो हम स्ट्रिप मेजरमेंट कतई नहीं ले सकते। तो क्या करा जाएगा, क्या करा जाएगा कि ये जो B है इससे एक लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं, ये जो C है इससे एक लाइन नीचे को ड्रॉ करते हैं। अब देखें होगा क्या, अब ये होगा कि मुझे क्या चाहिए, ये रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी चाहिए। पहले तो मैं लिख लेता हूँ कम्प्लीटली, अब एरिया निकालेंगे कैसे उसके बाद बात करते हैं। अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, अगर मैं क्या करूँ एरिया निकालूँ पूरा का पूरा ए बी, पहले इसको नाम देते हैं, ये एम हो गया ये एन हो गया, अगर मैं क्या करूँ ए बी एम निकालूँ, एरिया ए बी एम, ए बी एम में ध्यान रहे पूरा का पूरा आ गया, ये इस तरह से इतना, ये वाला जो छोटा सर ट्रायंगल बन रहा है ना ये भी कंप्लीट ए बी एम ए, ठीक ए बी एम पूरा एरिया प्लस कर दूं इस ट्रेपीजियम को, ये क्या है ट्रेपीजियम बी एम एन सी, इसको क्या कहते हैं हम ट्रेपीजियम कहते हैं, बी सी एन एम माइनस कर दिया जाए कितना, इतना पार्ट, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, क्या ए सी एन ट्रायंगल ऑफ एरिया, इसका एरिया नाम लेते हैं, रीज़न क्या है ये ए सी एन। तो देखें जब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें हो क्या रहा है, हमें इंटरेस्ट किस में था ए बी सी निकालना है, मैंने क्या करा ये लाइन ड्रॉ करी, अगर मैं इतना पूरा कंप्लीट एरिया प्लस इतना कंप्लीट एरिया माइनस कर दूं इतने एरिया से तो क्या मेरे पास ये एरिया नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखें ऐसा करा कि ये जो लाइन ड्रॉ करी, अब अगर मैं स्ट्रिप लेने जाऊँ ना वर्टिकल स्ट्रिप, तो अगर मैंने ये वर्टिकल स्ट्रिप बनाई क्या एरिया निकालने के लिए, ए बी एम एरिया निकालने के लिए, अब ये जो स्ट्रिप है पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो इजी रहेगा निकालने के लिए, अब आसानी से हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पहले तो हम इसमें थोड़ी सी हमने क्या करी है नेमिंग वगैरह करी है, नेमिंग वगैरह कर लेते हैं। ए क्या पॉइंट है हमारे पास 1,0 है, 1,0, बी पॉइंट क्या है हमारे पास 2,2 है, देन सी पॉइंट है हमारे पास 3,1। तो देखें एम पॉइंट क्या रहेगा, ये क्या है 2,2 है, यानी कि 2,2, तो ये कितना रहेगा 2,0, उसी तरीके से एन पॉइंट क्या रहेगा 3,0। ठीक, तो यानी कि अगर मुझे एरिया निकालना है किसका ए बी एम का, देखें क्या होगा ए बी एम का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करा जाएगा 1 से लेकर 2 को, इस स्ट्रिप को ना 1 से लेकर 2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे, वाई डी एक्स लिखा जाएगा। ठीक, ये जो लाइन है इसको कंसीडर नहीं करना है अभी के लिए, सिर्फ हमारे पास क्या है ये इतना ध्यान रहे, सिर्फ हमारे पास अभी कितना है बस ये चीज़ है। ठीक, अगर थोड़ी देर के लिए उस लाइन को मिटा दिया जाता तो कुछ ऐसा रीज़न है पूरा का पूरा ए बी एम ए, ठीक ए बी एम, बट वो लाइन भी है तो उसको तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक, ये ड्रॉ कर दें, अब हमें क्या निकालना है ये ट्रेपीजियम का निकालना है बी सी एन एम, इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ एक स्ट्रिप ड्रॉ करता हूँ, और इसके लिए भी क्या करना है ये थोड़ी देर के लिए ये जो लाइन जा रही है इसको भूल जाते हैं,
उसको भूल गए तो हमारे पास क्या आ गया, इतना पूरा। इतना पूरा लाने के लिए करना पड़ेगा प्लस इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, टू से लेकर थ्री तक, टू से लेकर थ्री तक, इसमें भी कितना वाई डी एक्स माइनस। अब दोबारा से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो फिगर इसी तरीके से। अब माइनस क्या करना है, एरिया ए सी एन, ए सी एन का, ए सी एन के लिए देखें हम स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं। ए सी एन यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट ना, थोड़ी देर के लिए ये चीज़ पूरी की पूरी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ऐसे गैप कर देते हैं। पूरा ए सी एन कंसिडर करना है। ए सी एन कंसिडर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटी वाली स्ट्रिप बनाता हूँ। इस छोटी स्ट्रिप को क्या करवाना पड़ेगा, पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा वन से लेकर थ्री तक। इंटीग्रेशन वन से लेकर थ्री तक वाई डी एक्स, ठीक है, जहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी, कैसे हमने स्ट्रिप ली, कैसे हम पर्टिकुलर एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, अब ये भी हमारे समझ आ गया, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए हम पूरा हटा देते हैं, जो एग्जैक्ट फिगर है वो चीज़ बना देते हैं। ठीक, स्ट्रिप भी हटा देते हैं, क्योंकि स्ट्रिप की भी अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रिप से हमने समझ लिया है कि कैसे कौन सा एरिया हमें कंसिडर करना है, तो एक्चुअल जो फिगर है वो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास क्या आ गया, ये फिगर जो जैसा पहले बन रहा था। ठीक, अब हमने क्या करा, इसमें से एरिया पता चल गया हमें, इतना प्लस इतना माइनस इतना कर देंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब देखें, इस वाले के लिए वाई समथिंग लिखना पड़ेगा ना, इस वाले के लिए वाई समथिंग लिखना पड़ेगा, और ये जो स्ट्रिप है किस पे लाई कर रही है, इस लाइन पे लाई कर रही है, ए बी लाइन पे। अभी जो वाई समथिंग लिखा जाता था पिछले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, वाई समथिंग क्या लिखा जाता था, हमारे पास कर्व की इक्वेशन रहती थी, कर्व की इक्वेशन रहती थी, यानी कि वो जो स्ट्रिप है जिस पे भी लाई कर रही है उसकी इक्वेशन रहती थी। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, हमें जस्ट ये वर्टिसेस गिवन थी और हमें निकालना था। निकालते निकालते हम लोग यहाँ तक पहुँचे, अब फिर से क्वेश्चन अटक गया, हमारे पास वाई समथिंग है ही नहीं, यानी कि ये जो एरिया हम निकालने जा रहे हैं ए बी एम वाला, इसकी जो स्ट्रिप है ये जो मैंने बनाई है ये किस पे लाई कर रही है, इस ए बी लाइन पे लाई कर रही है। अब इसकी इक्वेशन ही नहीं है मेरे पास, इस लाइन की इक्वेशन नहीं है, बट वो क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, और हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये दो पॉइंट पता है और क्लास इलेवेंथ में हमने पता पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही होती है और वो दो पॉइंट हमें पता होते हैं तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, वो हमारे पास आती है कैसे, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन देन x माइनस एक्स वन से। ठीक है, ये क्या रहती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो मुझे क्या चाहिए, ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए, इसके दो पॉइंट्स मेरे पास ऑलरेडी है, इसमें पुट करता हूँ और निकालता हूँ। इसको मैं एक्स वन वाई वन ले लेता हूँ, इसको मैं एक्स टू वाई टू कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक, तो वाई माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन तो हमारे पास कितना है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन ना, y टू कितना है, टू है, y वन ज़ीरो है, तो टू माइनस ज़ीरो टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू कितना है, टू माइनस वन करेंगे वन आएगा, देन x माइनस एक्स वन कितना है हमारे पास, वन है, तो सिंपली कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन, ये क्या आ गया इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, किसकी, इस ए बी लाइन की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन इज अवर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ए बी पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक, और ये चीज़ लिखनी होती है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कैसे हमने फाइंड आउट करा, मैं बस यहाँ पे भी मिटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू समथिंग लिखना था ना, तो y इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन वन से लेकर टू y इज इक्वल टू कितना, टू एक्स माइनस टू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, टू को अंदर मल्टी अप्लाई कर दिया इतना हो गया, प्लस इंटीग्रेशन टू से थ्री वाई डी एक्स। अब ये वाला जो था ये क्या था, ट्रेपीजियम था, ट्रेपीजियम कहाँ पे बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इस पर अगर मैं स्ट्रिप डालूंगा, ये स्ट्रिप किस पे लाई कर रही है, इस बी सी लाइन पे लाई कर रही है, और इसकी भी हमारे पास इक्वेशन नहीं है, वो चीज़ हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू यानी कि दो पॉइंट पता है, तो इस बार मैं इसको एक्स वन वाई वन ले लेता हूँ, ये क्या है, एक्स टू वाई टू है, तो वाई माइनस वाई वन यानी कि कितना, y1 है हमारे पास 1 इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, टू माइनस वन वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, टू माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन कितना है हमारे पास, 3 है, तो ये नेगेटिव का आ गया, तो y माइनस वन इज इक्वल टू कितना, माइनस एक्स प्लस थ्री, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस वन उधर जाएगा तो फोर, थ्री प्लस वन कितना बन जाएगा, फोर, तो y इज इक्वल टू कितना, माइनस एक्स प्लस फोर,
तो ये जो इसकी इक्वेशन है इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, वाई इज इक्वल्स टू कितना, 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 वाई डी एक्स। अभी जो वाई डी एक्स है वो किसके लिए निकालना है वो देख लेते हैं। वाई डी एक्स ये स्ट्रिप हटा देते हैं, ठीक, ये स्ट्रिप भी हटा देते हैं, ये लाइन भी हटा देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ए सी एन का निकालना है ना, ए सी एन। इसके लिए स्ट्रिप क्या रहेगी, कुछ ये रही होगी। ये स्ट्रिप किस पे लाई कर रही है, ए सी पे लाई कर रही है। तो इसकी इक्वेशन निकालते हैं वाई माइनस वाई वन। इस बार क्या करते हैं, ये एक्स वन वाई वन है तो इसको एक्स टू वाई टू ले लेते हैं, ठीक। वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना हमारे पास, वन है, इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन। वाई टू कितना है, जीरो। माइनस वाई वन यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वन माइनस थ्री माइनस का टू। एक्स माइनस एक्स वन कितना है, थ्री है, एक्स वन थ्री। इससे वन माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यह आ गया वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू माइनस 3 बाई 2। इस 1 बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, एक्स बाई टू माइनस 3 बाई 2। वाई वन उधर जाएगा, वन उधर जाएगा, प्लस वन का बन जाएगा। तो वाई की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, एक्स अपॉन टू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस वन कितना, डी एक्स। ये क्या आ गई इसकी इक्वेशन। इस माइनस 3 बाई 2 प्लस वन को यहीं पे सॉल्व भी करा जा सकता है, तो आएगा माइनस 3 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 1 बाई 2। तो इसकी जगह पे सिंपली लिख दें -1/2 डी एक्स। इस चीज़ को पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन काफ़ी इजी रहता है, निकालना हमें आता है। तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट बता देता हूँ, आंसर कितना है, 3/2 आ रहा है, यानी इस पूरे चीज़ को इंटीग्रेट करने में। तो जो समझना था, जो चीज़ समझने वाली थी वो क्या थी, कि इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता है और हमें वर्टिसेस निकालनी होती है, तो कैसे करा जाता है, तो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। और काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ होगा नहीं। हमें जस्ट क्या करना होता है, इक्वेशंस भी निकालनी होती हैं हर वर्टिसेस की। देखो, हर किसी के लिए निकाली थी हमने, ए बी के लिए भी निकाली थी, बी सी के लिए भी, और ए सी के लिए भी, ठीक। तभी जाके हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड एरिया पॉसिबल हो पाया कि हम निकाल सकेंगे, ठीक। तो इस चीज़ को नोट करें, इसके बाद अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे।